अब इनका सवाल, अभी हम लोगों ने इसको एड्रेस किया था, अगर आप हमारा शो देख रहे होते शुरू से, तो ONGC और इन सब पे एक राय दी थी मानस ने। मानस जी बहुत ब्रीफली उसको रिपीट कर दिए, इनके पास सब है, ONGC वाले, HPCL और ये सब बने रहना चाहिए इनको अभी। बिल्कुल बने रहना चाहिए। देखिए लॉन्ग टर्म चार्ट पे अगर आप देखें तो ONGC ने काफी लंबे समय के बाद इस तरह का ब्रेकआउट चार्ट पे दिया है, 2014 के हाईस को ब्रीच किया है। तो लॉन्ग टर्म चार्ट पे जब देखेंगे तो ONGC के टारगेट 420 रुपए, 450 रुपए के आसपास के आते हैं। यहाँ पर बने रहिए, IOC बढ़िया लगता है, BPCL, HPCL सारे चार्ट बेहतरीन लगते हैं 6 से 8 महीने के लिए, तो इन सभी स्टॉक में बने रहना चाहिए। बिल्कुल भाई, चलो ONGC ने है ONGC का, मुझे ONGC इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि ये 200 दिन के मूविंग एवरेज के सपोर्ट के बाद 4 दिन पहले ही जंप हुआ है और कल के सेशन में उसने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी क्लोज दे दिया है। तो ONGC में दूसरी एक अच्छी बात ये थी कि उसमें कॉल साइड काफी अच्छा अनवाइंडिंग हुआ है, तो जो कॉल राइटर्स थे वो शायद अपनी पोजिशन छोड़ के चले गए हैं। तो ये तीन चार चीजें हैं जिसकी वजह से मैं ONGC अच्छा लग रहा है। CMP 146 पे बाय करेंगे हम, 138 का बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं, टारगेट 155 एंड 160।